जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन ब्रिज। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे COEP पुणे के बारे में, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो एक काफी शानदार कॉलेज है ऑक्टर IIT रोड की। इसी कॉलेज को यानी कि COEP पुणे को सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज माना जाता है एशिया भर में दोस्तों, तो काफी शानदार बात है और प्लेसमेंट भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फैसिलिटी भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहे अगर आपको जानना है COEP पुणे के बारे में बिल्कुल डिटेल में दोस्तों। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस कॉलेज की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है, पूरे हिस्ट्री में हम लोग नहीं जाएंगे तो इसकी बात करते हैं कि पूरा नाम क्या है। तो COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है दोस्तों। तो COEP का भी फुल फॉर्म होगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे और टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी दोस्तों, और ये गवर्नमेंट कॉलेज है और ये कॉलेज शिवाजी नगर पुणे में स्थित है दोस्तों। ये कैंपस 36 एकड़ में फैला हुआ है और ये एक वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, तो वाईफाई की भी दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे। एस्टैब्लिश कब हुआ था तो बात करते हैं, तो ये कॉलेज 1854 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो काफी पुराना कॉलेज है दोस्तों। दोस्तों NIRF के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग के फील्ड में इसको 73 रैंक दिया गया है और एक गवर्नमेंट कॉलेज है। ऑक्टर IIT रुड़की एशिया भर में COEP पुणे को सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज माना जाता है दोस्तों, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप इतने वेल रिस्पेक्टेड कॉलेज से पढ़ाई करोगे। यहाँ पे आप दो तरह से एडमिशन ले सकते हो, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, होम स्टेट है आपका, तो आप MSTCET के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप JEE मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे दो माध्यम है आपको एडमिशन लेने का, यानी कि एक तो JEE मेंस हो गया और दूसरा MHT CET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, लेकिन दोनों का काउंसलिंग MHT CET के थ्रू ही होगा, तो ये काफी ध्यान देने वाली बात है, तो इसको आप गौर करिएगा थोड़ा सा दोस्तों। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो 10+2 में आपको 45% होना चाहिए। इसके अलावा से अगर बिलोंग करते हैं आप बैकवर्ड क्लास है या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में 40% रहेगा तो भी चलेगा दोस्तों। आपका सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स, उसके साथ एक और सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों, जैसे केमिस्ट्री, बायो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट 10+2 में जो भी होते हैं वो होने चाहिए दोस्तों। दोस्तों कटअप की बात करते हैं, तो पहले JEE मेंस कटअप की बात कर लेते हैं फिर MHT CET कटअप की बात करते हैं दोस्तों। तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के लिए कटअप गया था 58,380 क्लोजिंग रैंक था दोस्तों, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 10,380 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 25,380 तक, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 16,069, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 37,803 तक एडमिशन हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 75,307 तक एडमिशन हुआ है दोस्तों। एंड इसके अलावा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 40,220 तक एडमिशन हुआ है, और मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 83,834 रैंक तक एडमिशन हुआ है दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं MHT CET का क्या कटअप था। तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो 2954 पे क्लोज हो गया था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 319 पे क्लोज हो गया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1006 पे क्लोज हो गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग 319 पे दोस्तों क्लोज हो गया दोस्तों। तो अब आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई, ये कॉलेज अच्छा खासा कॉलेज है दोस्तों, और है भी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो 566, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में लेना चाहते हो तो 1701 तक गया है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग 4002 तक, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1858 तक गया है, एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग 4573 तक एडमिशन हुआ है दोस्तों। तो ये था कटअप, तो कटअप के बारे में हम लोग ने बात कर लिया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। यही खास रहता है हमारे वीडियो का मकसद कि लाइन बाय लाइन सब कुछ बात करें एक सीक्वेंस में, तो काफी अच्छा होता है दोस्तों। तो फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपको लगभग 90,000 से 1,10,000-20,000 तक लग सकता है दोस्तों, ठीक है, इसमें हॉस्टल फी या फिर मेस फी इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा सेकेंड ईयर से आपको लगभग 75,000 से 90,000 रुपये देखने को मिल जाएगा दोस्तों फोर्थ ईयर तक। अगर आपको डिटेल में और देखना है फी के बारे में तो नीचे PDF डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हो। बट लगभग मोटा मोटी बात करते हैं तो यहाँ पे 5 से 7 लाख रुपए में आपका 4 साल का बीटेक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। काफी अच्छा एक अमाउंट मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है चलेगा। एक ऐसा कॉलेज जो IIT रुड़की के बाद सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है, और ओल्डेस्ट कॉलेज होने का मतलब है काफी रिस्पेक्ट भी कैरी करके चल रहा है दोस्तों। तो अच्छी बात यह है कि 5-7 लाख रुपए में एक अच्छे रिस्पेक्टेड कॉलेज से आप अपना बीटेक कंप्लीट कर रहे होंगे, जो कि बहुत हजारों लाखों स्टूडेंट का सपना होता है। हॉस्टल फी यहाँ पे 45,000 रुपए पर एनम देखने को मिल जाता है, और जो कि रिफंडेबल फी होगा हॉस्टल में भी आपको 5,000 रुपए देना पड़ेगा, उसके अलावा मेस में भी 5,000 रुपए देना पड़ेगा, यानी कि 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जो कि रिफंडेबल होता है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी 50.50 लाख पर एनम गया है, और एवरेज सैलरी 11.35 लाख पर एनम गया है दोस्तों, और मिनिमम सैलरी यहाँ पे 4 लाख पर एनम देखने को मिला है। तो मिनिमम सैलरी 4 लाख है, चलो अच्छा है कि 3 में नहीं है, 4 में है एटलीस्ट, लेकिन एवरेज सैलरी यहाँ पे 11.35 लाख पर एनम देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है दोस्तों। क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका बहुत ही घटिया प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखने को मिलता है दोस्तों। अगर और डिटेल में बात करते हैं प्लेसमेंट के, तो 2020-21 के सेशन में 37 लाख रुपए हाईएस्ट था, और 2021-22 के सेशन में 50 लाख रुपए लगभग हाईएस्ट था, और 22-23 में 50 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज था। यहाँ पे एवरेज सैलरी 2021 में 8.5 लाख रुपए के आसपास था, यानी कि 8.3 लाख पर एनम था, और 21-22 में 9.3
6.70 लैक्स पर एनम था और 22-23 में 11.35 लैक्स पर एनम था। ये अच्छी बात है कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ा है, घटा नहीं है। मिनिमम सैलरी 3 लैक्स था 20-21 में और 3.50 लैक्स था 21-22 में और 4 लाख रुपये मिनिमम सैलरी था 22-23 के सेशन में दोस्तों। गाइज अच्छा खासा प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लगभग 788 स्टूडेंट्स ने इनरोल किया था प्लेसमेंट के लिए, उनमें 578 लोगों का प्लेसमेंट हो गया दोस्तों, यानी कि 73% लगभग प्लेसमेंट हो गया दोस्तों। और 2022-23 के सेशन में 198 कंपनीज इस कॉलेज में विजिट की थी दोस्तों, ये भी काफी शानदार बात हो जाता है। और डिटेल में प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर ब्रांच की अगर बात करते हैं तो 159 स्टूडेंट्स ने इनरोल्ड किया था, उनमें से 139 स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए, यानी कि 87% प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है कंप्यूटर के फील्ड में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें 92 स्टूडेंट्स ने इनरोल्ड किया था और 79 स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए दोस्तों, यानी कि 85% प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे ही सबका दिया है तो सबसे कम कौन सा है, लाइक सिविल में 84 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हुए थे जिनमें से 41 स्टूडेंट्स का ओनली प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि 48% ओनली प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और प्लानिंग भी एक ब्रांच है यहाँ पे दोस्तों, तो उसमें 38 स्टूडेंट्स ने इनरोल किया था जिनमें से ओनली 9 स्टूडेंट ही प्लेस्ड हो पाए थे, यानी कि 23.68%। तो ये भी काफी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे कंप्यूटर के फील्ड में देखने को मिल रहा है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा से मैकेनिकल में भी अच्छा खासा है, इलेक्ट्रिकल में अच्छा है, इंस्ट्रूमेंटेशन में अच्छा है, इसके अलावा से प्रोडक्शन में भी अच्छा नहीं है, लगभग 60% ओनली है, और मेट्रोलॉजी में भी अच्छा नहीं है, 58% ओनली है, सिविल में 48 है ओनली, प्लानिंग में 23% ओनली प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। तो कुछ कुछ है इसमें ब्रांचेस जिसमें अच्छे प्लेसमेंट नहीं है और कुछ ब्रांच ऐसे हैं जिसमें अच्छे प्लेसमेंट देखने को मिल जा रहा है दोस्तों। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें 578 प्लेस्ड हुए हैं, कितने में से, तो 788 में से दोस्तों, ठीक है, यानी कि 73.35% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, यानी कि 100% प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, सीधी सी बात है। तो काफी अच्छा बात है कि इन्होंने शो करके रखा है जो भी रियलिटी है। अब बात करते हैं दोस्तों हॉस्टल के बारे में, तो यहाँ पे 10 हॉस्टल देखने को मिल जाता है जिनमें से 8 हॉस्टल बॉयज के लिए है और 2 हॉस्टल गर्ल्स के लिए यहाँ पे है दोस्तों। काफी वेल इक्विप्ड फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाता है हर एक फील्ड में दोस्तों। स्पोर्ट्स की बात करें तो हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। हॉस्टल के बारे में बात करें तो अच्छी खासी फूड भी मिल जाता है, संडे को भी अच्छा खासा फूड यहाँ पे मिल जाता है खाने पीने को दोस्तों, ठीक है। तो सभी लोग वेट भी करते हैं उसके लिए, तो काफी अच्छा फैसिलिटी भी देखने को मिल जाता है। वाइब्रेंट कैंपस लाइफ आपको फील होने वाला है अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो। और यहाँ पे एनुअल टेक्निकल फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, माइंड स्पार्क उसका नाम है। यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्ट भी देखने को मिल जाता है जिसका नाम जेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं इस फेस्ट में दोस्तों, काफी अच्छा इस फेस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अलावा से इंप्रेशंस जो कि कल्चरल फेस्ट है दोस्तों, तो उसमें भी काफी अच्छा टैलेंट आपको देखने को मिलेगा इस कॉलेज में दोस्तों। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी क्लब भी बने हुए हैं और दोस्तों यहाँ पे एक बोट क्लब भी देखने को मिल जाता है। मैं एक वीडियो पर रिसर्च कर रहा था VIT वेल्लोर, उस कॉलेज में लेक है बट लेक के पास जाने नहीं देते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, ये रीजन देते हैं वो रीजन देते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से नहीं जाने देते हैं जो भी हो, बट यहाँ पे क्या है कि आपको बकायदा जाने देंगे, क्लब बना है बोट क्लब गाइज, ठीक है, उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, एंजॉय करो, घूमो फिरो, क्योंकि ये एक रिवर के पास है जिस रिवर का नाम मूला रिवर है एंड 1928 से ये चला आ रहा है क्लब दोस्तों, बोट क्लब। तो काफी शानदार एक्सपीरियंस आपको होने वाला है ये दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, मैं तो बोलूंगा इसमें एडमिशन लेना चाहिए क्योंकि काफी अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है यहाँ पे, क्लब्स बहुत सारे हैं दोस्तों, आपको क्लब्स बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, यानी कि एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा करने वाले, स्पोर्ट्स फैसिलिटी में बिल्कुल कोई कमी नहीं होने वाली है, फेस्ट हमेशा होते रहता है क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है तो वहाँ पे पता ही है कि वो फिल्मों की सिटी है गाइज, मुंबई उस स्टेट में सिचुएटेड है कॉलेज, तो वहाँ पे ये परफॉर्मेंस के मामले में तो वो काफ़ी ऊपर ही चला जाता है ऐसे ही। उसके बाद से रिवर के पास में स्थित है जहाँ पे आपको बोटिंग बकायदा उस क्लब में ज्वाइन कर सकते हो और फी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिल जाता, एक एवरेज फी है और प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और पुणे भी एक काफ़ी अच्छा सिटी माना जाता है दोस्तों, मैं तो वहाँ जाना चाहता हूँ, अभी तक नहीं गया है बट मुझे जाना है, जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा क्योंकि बहुत अच्छा वाइब भी वो देता है जब भी मैं वीडियोज़ देखता हूँ, तो जाना चाहिए। तो ये सारी खास बातें इस कॉलेज के बारे में, एलुमनी नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग है और ओल्डेस्ट कॉलेज है आफ्टर IIT रुड़की, तो बिल्कुल आपको एडमिशन लेना चाहिए दोस्तों। तो फिर से मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे, सब्सक्राइब कर लो। फिर से मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों।